जिंदगी का सफर है कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। तो जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते हुए आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय की शुरुआत करेंगे, जिसमें हमने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमने चित्र का ये बेस हमने बना दिया है, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम को N1 से डिनोट किया गया है, और ये सघन माध्यम है जिसको N2 से डिनोट किया जाएगा, और यहां पर ये इस तरीके से दिखा दिया गया कि यह माध्यम क्या है, सघन है, डार्क बना करके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो सबसे पहले एक बिंदुवत वस्तु रखी जाएगी। तो एक बिंदुवत वस्तु कुछ इस प्रकार हमने बनाई यहां पर, जो है ये आपकी बिंदुवत वस्तु रख दी गई है यहां पर ओ पर, और इस ओ से प्रकाश किरण जा रही है कुछ इस प्रकार। ये बिंदुवत वस्तु ओ है, ओ से प्रकाश किरण बिंदु ए की ओर जा रही है। जैसे बिंदु ए की ओर जाएगी, ये बिंदु क्या है, ए है, प्रकाश किरण पर तुरंत तीर बनना चाहिए, ये ऑप्टिक्स का नियम है, और इस पृष्ठ पर तुरंत अभिलंब बनाया जाना चाहिए। एक अभिलंब हमने इस पृष्ठ पर बना दिया। अभिलंब क्या होता है, पृष्ठ के ऊपर लंबवत रेखा होती है, अभिलंब सदैव वक्रता केंद्र सी से होकर जाता है। इस पृष्ठ का अभिलंब इस साइड में होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे कहते हैं, और इस तरीके से अभिलंब और आपतित किरण जो कोण बनाती है उसको आई कहते हैं। ये कोण क्या हो गया, आई हो गया। आप जानते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाती है, कहां से, विरल माध्यम से, तो अभिलंब की ओर झुक जाती। तो यह प्रकाश किरण जिसको कुछ इस प्रकार जाना चाहिए था, देखिए इस प्रकार जाना चाहिए था, ऐसे न जाकर के यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये देखिए हमने अभिलंब की तरफ इसको झुका दिया, ये झुक गई अभिलंब की तरफ। अब आप जानते हैं अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण जो कोण बनाती है उसको क्या कहते हैं, एंगल आर कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी मुख्य अक्ष है, थोड़ी सी इसको और बड़ी बना लेते हैं, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये कौन सी अक्ष है, मुख्य अक्ष। ये प्रकाश किरण जो सघन माध्यम में जा रही थी, जो अभिलंब की तरफ झुक गई थी, इस प्रकाश किरण को स्केल रख करके हम डॉटेड मुख्य अक्ष से मिलाएंगे। इस तरीके से हमने इसको डॉटेड मिला दिया। तो ये बिंदुवत वस्तु ओ का प्रतिबिंब, बिंदुवत प्रतिबिंब कहां बनेगा, आई पर बनेगा, कहां बनेगा, आई पर। देखिए ऑप्टिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर कर लेने होंगे। अगर आप वो बेसिक कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं रिफ्रेक्शन और रिफ्लेक्शन के, परावर्तन और अपवर्तन के, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये क्या बन गई, आई बन गई, यहां पर ओ रखा जाएगा, ये उसका ये आई बनेगा। बिंदु ए से हम एक अभिलंब डालेंगे, कहां पर, मुख्य अक्ष पर। इस अभिलंब को हम सदैव यहां पर क्या कौन सा नाम देते हैं, जैसे उसमें दिया था एम, यहां पर भी क्या नाम देंगे, एम देंगे। ये बिंदु क्या है, ध्रुव होता है लेंस का या पृष्ठ का। ये क्या है, ये उत्तल पृष्ठ है, लेंस का एक भाग है, तो उसमें देखा जा रहा है। तो आप जानते हैं पी और ओ माने जो आपका क्या है, ध्रुव है, यहां से सारी दूरियां ली जाती हैं। इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे और देखेंगे कि ओ, ओ माने वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी सदैव क्या होती है, उसको U से प्रदर्शित करते हैं, चूंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए वस्तु की दूरी सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है।
चूंकि इसमें प्रतिबिंब भी बाईं ओर बन रहा है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, बाईं ओर बन रहा है, कहां बन रहा है, बाईं ओर, इसलिए वीवीस चित्र में क्या है, ऋणात्मक है। अब बात आती है वक्रता केंद्र की, तो यहां से वक्रता केंद्र C की दूरी को हम जब मेजर करेंगे तो C क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव, इस साइड में है, इसलिए ये R वक्रता त्रिज्या को कहां से प्रदर्शित करते हैं, R से, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। चित्र में कुछ कोण हम मानते हैं, वस्तु वाली किरण आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के साथ कोण बनाती है उसको अल्फा कहते हैं, प्रतिबिंब जो बनाता है उसको बीटा कहते हैं, और ये जो प्रकाश किरण बनती है इसको क्या, प्रकाश किरण वक्रता केंद्र वाली प्रकाश किरण जो बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, गामा कहते हैं। यहां पर एक चीज और आपको देखनी है, ये जो है सरल रेखा है एक, और ये वाली भी क्या है, एक सरल रेखा है जो डॉटेड फुल ब्लू कलर में है, और ये जो हाफ ब्लू है और डॉटेड ब्लैक है, तो ये क्या है, एक सरल रेखा है। यहां पर चूंकि कोण R बनता है इसलिए ये वाला कोण भी क्या होगा, R बनेगा, क्योंकि त्रियक रेखाओं के मध्य ये क्या है, कोण है। इस तरीके से इसको हमने समझ लिया। अब हम यहां पर कुछ त्रिभुज हैं उनमें थ्योरम लगाते हैं। सबसे पहले आपके पास एक त्रिभुज है ओ ए सी में, एक ये ओ है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु क्या है, सी है, ओ ए सी में कुछ इस तरीके का त्रिभुज है ओ ए सी। इसमें देखिए इस सी वाली रेखा को ऊपर बढ़ाया गया है, ओ ए सी में जो ये कोण है ये क्या है, आई है, और ये वाला कोण क्या है, अल्फा है, ये वाला कोण गामा है, ये वाला कोण क्या है, यहां पर गामा है। तो जो थ्योरम अवतल पृष्ठ में उपयोग हुई थी वो इसमें भी होगी, और थ्योरम कौन सी है, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा देने से बना बहिष्कोण, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा देने से बना बहिष्कोण शेष दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां से आई बराबर गामा और प्लस अल्फा हो जाएगा, ये आपकी क्वेश्चन नंबर, ये आपकी क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगी, एक बन जाएगी, क्या बन जाएगी, एक बन जाएगी। त्रिभुज ओ ए सी में एक थ्योरम लगाते हैं और दूसरी थ्योरम आई ए सी में लगाते हैं, क्या किसमें, ये त्रिभुज एक हो गया इस तरीके से, और एक दूसरा त्रिभुज है आई ए सी में, आई ए सी में देखिए आई ए और सी, इसमें जो बहिष्कोण है वो आर है, देखिए ये वाला कोण आई है, ये वाला कोण क्या है, आर है, तो आई ए सी में जो आर है दैट इज इक्वल्स टू गामा प्लस बीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। थ्योरम क्या लगती है उसको राइट कर लेते हैं, थ्योरम यह है कि किसी त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की एक भुजा को, एक भुजा को बढ़ाने से, बढ़ाने से बना बहिष् कोण शेष दोनों, शेष दोनों अंतः कोणों के, अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज को, त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने से बना बहिष्कोण शेष दोनों अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। When you exceed the side of a triangle, one side of a triangle, अगर आप त्रिभुज की एक भुजा को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, then the value of external angle is equal to the sum of the two
इंटरनल एंगल्स। इस तरीके से ये थ्योरम है, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने से बना बहिष्कोण शेष दोनों अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से हम क्या लगाते हैं, स्नेल का नियम। काफी मिलते जुलते डेरिवेशन है, स्नेल का नियम बोलिए। अवतल पृष्ठ वाला जो डेरिवेशन है उसका लिंक जो है हम आई बटन में दे देंगे, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम ये कहता है कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल्स टू एन टू बाई एन वन। और आप जानते हैं कि आई व आर क्या है, अति अल्प है, ये क्या है, अति अल्प है। इसलिए जो साइन आई है उसकी वैल्यू आई के बराबर है, कामा साइन आर की जो वैल्यू है वो आर के बराबर, माने आई बाई आर इज इक्वल्स टू एन टू बाई एन वन। व्हेन यू मेक अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विद इट, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एन वन आई इज इक्वल्स टू एन टू आर। अब भाई इसमें आई और आर की हम वैल्यू रख देंगे, एन वन आई, आई की वैल्यू क्या है गामा प्लस अल्फा, और एन टू की वैल्यू, एन टू के बाद वैल्यू रखेंगे आर की, आर की वैल्यू क्या है गामा प्लस बीटा। इसको ओपन करेंगे, एन टू गामा प्लस एन टू बीटा, एन वन गामा प्लस एन वन अल्फा। इसको बीटा को टर्म को इधर ले आएंगे, एन टू बीटा ठीक है प्लस एन वन अल्फा बराबर, ये इस साइड में जाएगा तो एन टू क्या हो जाएगा गामा के पीछे आ जाएगा एन वन गामा। इसमें गामा जो है वो कॉमन लिया जा सकता है, तो वैल्यू हो जाएगी एन टू माइनस एन वन इन वन ब्रैकेट गामा, और माइनस एन टू बीटा प्लस एन वन अल्फा। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई, इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, थर्ड। इस थर्ड इक्वेशन से हम क्या करेंगे, कुछ थर्ड इक्वेशन में कुछ वैल्यूज निकाल करके उसको रखेंगे। तो यहां तक समझिए आपका डेरिवेशन का टू थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट डाउन करने के लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप, प्रॉपर चित्र भी बना है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड इक्वेशन हमारी यहां पर लिखी रहेगी, और अब हमारे सामने कुछ ट्रायंगल्स हैं, समकोण त्रिभुज है। जो पहला समकोण त्रिभुज है कुछ इस तरीके की आकृति का है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, आई त्रिभुज आई एम ए में, ये जो त्रिभुज आई एम है ए है, या शुरुआत करते हैं सबसे पहले ओ एम ए में, ओ एम ए में। तो इसमें जो अल्फा है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, टैन अल्फा के, और आप जानते हैं टैन अल्फा बराबर होता है ए एम माने परपेंडिकुलर अपान ओ एम, ए एम परपेंडिकुलर है, ओ एम क्या है वो बेस है। चूंकि आप जानते हैं ये पहले डेरिवेशन के अकॉर्डिंग जो ओ एम है, ओ एम वो ओ ओ एम जो है ओ एम वो ओपी के बराबर हो जाएगा जब एंगल्स क्या होंगे छोटे होंगे, तो पी एम की तरफ कॉन्साइड करेगा। ठीक है, तो यहां से ये आपका एच हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस यू हो जाएगी। उसके बाद एक और त्रिभुज है आपका इसी साइड में जिसकी वैल्यू क्या है आई एम ए, तो जो आई एम ए है इसमें जो बीटा है दैट इज इक्वल टू टैन बीटा, और टैन बीटा क्या है ए एम अपान आई एम, आई एम जो आई एम है वो आई पी हो जाएगा, आई एम बराबर क्या हो जाएगा आई पी, एम पॉइंट को पी पर कॉन्साइड कराएंगे लाई करा देंगे, तो एच अपान क्या हो जाएगा माइनस वी। इसी तरीके से एक ट्रायंगल उस साइड में बन रहा था ऐसे बना दिया हमने, अब वो ट्रायंगल क्या है सी एम ए में, इस सी एम ए में जो एंगल है वो गामा है, और गामा इज इक्वल्स टू टेन गामा बराबर टेन गामा। अब गामा देखिए ये एंगल क्या है गामा है, इसके सामने परपेंडिकुलर है, और ये जो सी एम है वो बेस है, तो ए एम अपान सी एम, ए एम ए एम है और सी एम को सी पी बना देंगे, सी पी के बराबर कौन सा कंसीडर कर लेंगे,
एच अपान क्या हो गया, आर हो गया। ये जो आपका थर्ड इक्वेशन है, अब क्या राइट करेंगे, अल्फा कम बीटा व गामा के मान, के मान समीकरण तीन में क्या करने पर, रखने पर। तो अगर इन मान को हम समीकरण तीन में रख देंगे तो ये हो गया n2 बीटा, बीटा का मान क्या है h बटे माइनस v प्लस n1, n1 अल्फा, अल्फा बराबर क्या है h बटा माइनस u, h बटा माइनस u बराबर n2 माइनस n1, और ये मान है h बटा गामा का r। देखिए यहां पर माइनस माइनस इन दोनों में h कॉमन है, कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा n2 by v, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये वाला माइनस इस पर इफेक्ट करेगा, n1 by u बराबर n2 माइनस n1 h अपान r, ये कैंसिल हो गया ऐसी सिचुएशन। तो जो आपका सेकंड लास्ट टर्म है वो ये निकल करके आया n2 by v माइनस n1 by u बराबर n2 माइनस n1 अपान r। ये आपका सेकंड लास्ट टर्म है, समझ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे फार्मूले पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, इसलिए इसको भी क्या कंसीडर कर लीजिए माइंड में। उसके बाद हम क्या करेंगे, n1 से भाग करने पर, भाग करने पर, n1 से भाग करने पर n2 by n1 upon v माइनस n1 by n1 upon u, n2 by n1 माइनस n1 अपान एन वन अब बटे आर। तो एन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू एन माइनस वन अपान आर। ये आपका फाइनल फार्मूला आ गया, जो कि अवतल गोली प्रश्न में भी आया था। फार्मूले दोनों क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, एन टू बाई वी माइनस एन वन बाई यू इज इक्वल टू एन वन एन टू बाई वी नहीं एन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू एन माइनस वन बाई आर। इस तरीके से ये जो टॉपिक था आपका गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये आपने कंप्लीट किया। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा, हमारे साथ जुड़िए, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों तक वीडियो पहुंच सके, लोगों बच्चों का लाभ हो सके। अगर आप किसी विशेष टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।